आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड के दौरान सीएस सुमन कुमार सिंह के आवास पर ईडी की टीम को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे करोड़ों की रकम मिली। 500, 2000 और 100 की गड्डियों में रखी यह राशि अलमारी में थी। ईडी के अधिकारियों को पैसा मिलते ही तो अधिकारी भौचक्के रह गए। जानकारी के अनुसार दो मशीनों से पैसे की गिनती करने में बैंक अधिकारियों को करीब 6 घंटे लग गए। अफसरों ने पैसों की गिनती के लिए स्थायी ईडी अधिकारियों से भी संपर्क किया। इसके बाद आनन-फानन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 4 अफसर मौके पर पहुंचे। अफसरों ने नोटों की गिनती शुरू की। शाम के 6 बजे तक बैंक के अफसरों ने नोटों की गिनती कर सीए सुमन कुमार सिंह को शाम 6 बजे बैंक के अफसरों की टीम नोटों की गिनती कर सीए सुमन कुमार सिंह के सोनाली अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से बाहर निकली। ईडी ने सीए के पैंटालूस स्थित दफ्तर से भी कई कागजात जब्त कर लिए हैं। कांडे रोड स्थित पंचवटी बी ब्लॉक में ईडी ने छापेमारी की। इस अपार्टमेंट का एक फ्लैट पूजा सिंघल से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड के सभी कैंडर के अफसरों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। ईडी द्वारा खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड कैंडर के सभी अधिकारी की जल्द शाम 6 बजे बैंक के अफसरों की टीम नोटों की गिनती कर सीए सुमन कुमार सिंह के सोनाली अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से बाहर निकली। ईडी ने सीए के पैंटालूस स्थित दफ्तर से भी कई कागजात जब्त कर लिए हैं। कांडे रोड स्थित पंचवटी बी ब्लॉक में ईडी ने छापेमारी की। इस अपार्टमेंट का एक फ्लैट पूजा सिंघल से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड के सभी कैंडर के अफसरों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। ईडी द्वारा खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड कैंडर के सभी अधिकारी की चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन।